सोलन के निजी स्कूल में आज रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब द्वारा छात्रों के लिए जागरूक शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति की स्वास्थ्य शिक्षिका सुषमा शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। शिविर में करीबन 300 छात्राओं ने भाग लिया, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। वही छात्रों ने भी स्वास्थ्य शिक्षिका से अपने जहन में चल रहे प्रश्नों को पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। अधिक जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि छात्रों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को शारीरिक और मानसिक बदलाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ में छात्राओं को गुड और बैड टच के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि छात्राओं को किस तरह का आहार लेना चाहिए और इस बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई। इस मौके पर छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जानकारी दी गई। एडोल्स एंड रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर विचार रखे गए, बच्चों को जागरूक किया गया मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, और बच्चों को जो है उनकी बैलेंस डाइट, उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाउ टू प्रिवेंट एनीमिया, गुड टच बैड टच, इन सभी विषयों के ऊपर बच्चों को जागरूक किया गया। बच्चों ने बहुत ही ध्यान से उनको सुना, सुषमा शर्मा जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक कवर किए, गुड टच बैड टच। उन्होंने बच्चों को ड्रग्स के बारे में भी बताया, जो कि बहुत ही जरूरी है आजकल, और पर्सनल हाइजीन, और सबसे बड़ी बात न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में बताया, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत आजकल के बच्चों के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है।